हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स मोटिवेशन एंड कोडिंग। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम अपना पहला प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं पीएचपी में, और हमने सक्सेसफुली बनाया भी था। इस प्रोग्राम का जो भी कोड था, जो हमारा वीएस कोड में पड़ा हुआ है, ये कोड ये मैंने पुश कर दिया था हमारे गिटहब पे, जो हमारी गिटहब की रिपोजिटरी है, जैसे कि पीएचपी ट्यूटोरियल्स के नाम से रिपोजिटरी बनाई थी, और इसी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया था, जो कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर चेक करेंगे तो सेम यही वाला लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो हम प्रोसीड करते हैं अपनी पीएचपी की लर्निंग जर्नी आगे की तरफ। तो हमने क्या किया, फर्स्ट प्रोग्राम बनाया। अब हम क्या करेंगे, एक और फाइल बना लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा वेरिएबल्स एंड बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं नाम दे देता हूँ इसे vhvariable.php। ठीक है, तो हमने पिछली बार क्या किया था, पूरा HTML का स्ट्रक्चर लिखा था। ये मैंने आपको दिखाया था कि HTML में कैसे PHP हम इंजेक्ट कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं PHP को HTML के साथ। लेकिन ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हम यही करें। जैसे मैं यहाँ पर डायरेक्ट PHP का कोड लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं अगर PHP का टैग लगाऊँ और फिर अभी यहाँ पर इसे चलने दूँ और यहाँ पर लिखूँ echo कोई एक नंबर, जैसे 23, और फिर उसके बाद इसे सेव कर दूं और एक बार यहाँ जाऊं जहाँ पे मेरा ब्राउज़र है लोकल होस्ट PHP ट्यूटोरियल्स के अंदर, और मैं यहाँ पे index.php बाय डिफ़ॉल्ट चलती है, और यहाँ पे लिखूं अगर मैं variable.php तो आप देख सकते हैं वो नंबर 23 आउटपुट हो गया है। इसका मतलब कोई टैग लगाने की अभी के लिए PHP के कोड के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आगे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके बाद हम सारा कोड साथ में करेंगे। HTML का भी रहेगा हमारा, PHP का भी रहेगा, जैसे हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी वैसे वैसे हम करते जाएंगे। तो अभी तक ठीक है। अब एक चीज़ मैंने बताई थी कि हम एको स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं किसी चीज़ का आउटपुट देखने के लिए। सिमिलरली हम प्रिंट भी यूज़ करते हैं आउटपुट देखने के लिए। तो अगर प्रिंट 23 लिखा है तो 23 की जगह मैं यहाँ पर 12 लिख दूँ तो वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12। अब बात ये पड़ रही है कि इन दोनों में एक डिफरेंस है। जैसे एको है जो हमारा, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, एको जो है हमारा वो एक वॉइड फंक्शन है। वॉइड फंक्शन वो होते हैं जिनका रिटर्न टाइप नहीं होता। तो एको हमारे पास क्या है, एको है हमारे पास वॉइड फंक्शन वो होते हैं जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे होते वो। और उसके अलावा जो हमारे पास जो प्रिंट है हमारे पास, जैसे कोई हमने स्ट्रिंग प्रिंट कर दी, जैसे मैं अपना नाम प्रिंट कर देता हूँ, और ये जो है हमारे पास ये एक रिटर्न करता है वैल्यू। सो इसके पास इसका रिटर्न टाइप होता है। तो यही इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है और कुछ नहीं। अब इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है इसलिए 12 साथ में लिखा हुआ आ गया है, क्योंकि एडिटर का स्पेस नहीं माना जाता आउटपुट में। बेसिकली इससे ये जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, एको 12 लिखा है, उसके साइड में लिख दिया कि इसका क्या यूज़ है। जैसे वॉइड फंक्शन है, रिटर्न टाइप नहीं है, तो हम इन्हें कहते हैं कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट है ये। मतलब एक लाइन को रेफर करने के लिए ये यूज़ होता है। तो कमेंट का बेसिकली क्या यूज़ है, कमेंट का सिंपल सा यूज़ है कि ये जो है हमारे कोड में नहीं रिफ्लेक्ट करेंगे। जैसे कोड में नहीं दिख रहा आपको ये वाली लाइन जो कमेंट में लिखी हुई है, लेकिन कोड में ना दिखने के बाद भी ये क्या कहते हैं, रीडेबिलिटी को बढ़ा रहा है कोड की। मतलब कोड ज़्यादा रीडेबल है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो कमेंट्स भी इस तरीके से ऐड किए जाते हैं। और अगर मेरे को मल्टी लाइन कमेंट ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल दबाऊँगा, स्लैश दबा दूँगा। तो ये देखिए आप मल्टी लाइन कमेंट आ गया मेरे पास। तो इस तरीके से इतने सारे को हम क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ थी, ये चीज़ नोटिस में रखना। अब हम क्या करते हैं कि एक टाइम के लिए इसको कमेंट कर देते हैं। हमने एक एको देखा और प्रिंट का यूज़ देखा, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो कुछ नहीं है, बस आउटपुट दिखाने के लिए है। अब क्या करेंगे, जैसे कि हमारे ना और लैंग्वेजेस में, जैसे कि हमारे पास सी लैंग्वेज हो गई या जावा लैंग्वेज हो गई,
या सी प्लस प्लस हो गई। इन लैंग्वेजेस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ना क्या होता है, डेटा टाइप होता है। जैसे कि हमारा नंबर मैंने लिखा 12, तो इस 12 को दिखाने के लिए, जैसे कोई नंबर है तो उसको दिखाने के लिए हमारे पास इंट यूज़ होता है। और फिर इतना ही नहीं, और जैसे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को दिखाने के लिए स्ट्रिंग यूज़ होता है। और क्या कहते हैं, ट्रू फॉल्स वैल्यू दिखाने के लिए बूलियन यूज़ होता है। तो ये सारे जो डेटा टाइप्स हैं, ये डेटा टाइप्स हैं, मतलब डेटा का क्या टाइप है, जो हमारे पास डेटा है 12, आशीष, इन सब का टाइप क्या है, इन सब को डिनोट करने के लिए यूज़ होता है। पर बेसिकली पीएचपी में हमारे पास इतना ज़्यादा फंडा नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। पीएचपी हमारे लिए चीज़ों को आसान करती है। तो वो कहती है कि आपको अगर कोई भी वेरिएबल डिफाइन करना है तो आपको इंट नम इक्वल टू 10 ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे दूसरी लैंग्वेजेस में जैसे जावा, C++, इन सब में हम लिखते हैं, तो हमें ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। पीएचपी कहती है कि आपको चाहे इंट नम इक्वल टू 10 लिखना हो, या आपको लिखना हो स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग str इक्वल्स टू आशीष लिखना हो, इन दोनों को ऐसे अलग डेटा टाइप करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो पीएचपी में, ये करने की बजाय आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो डॉलर डॉलर और कोई वेरिएबल का नाम। जैसे नंबर लिखना है तो मैंने लिख दिया नम इक्वल्स टू 10, कोई डेटा टाइप नहीं दिया, और लिख देंगे हम डॉलर स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू आशीष। तो ये हमने कोई डेटा टाइप नहीं डिफाइन किया, पर पीएचपी स्मार्ट है, वो इस चीज़ को गेस कर लेती है कि ये जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, तो अब ये इसे स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगी, ये एक नंबर है तो ये नंबर की तरह ट्रीट करेगी। ये एक पीएचपी में फ़ायदा है। वेरिएबल क्या होता है, बेसिकली वेरिएबल एक हमारे पास स्पेस है जो कि डेटा को स्टोर कर सकता है, जैसे कि 10, आशीष, इन सब चीज़ों को एक जगह पर स्टोर कर सकता है हम एक वेरिएबल में। तो वेरिएबल ऐसा कुछ है, किसी एंटिटी को स्टोर कर सकता है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ थी, हमारे पास वेरिएबल्स हैं और स्टोर करने के लिए ये डेटा को स्टोर कर सकता है। अब इसके बाद क्या है हमारे पास कि ना, जैसे हमारे पास ऑपरेटर्स हो सकते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर है तो मैंने ले लिया नंबर एक वैल्यू 10, और इसको करा लूँगा मैं एको एक बार एको, और यहाँ पे लिखूँगा नंबर 1 इज, इसे मैं कह देता हूँ नंबर 1, एक मिनट के लिए इसे कह देते हैं नंबर 1। वैसे ऐसे नहीं देते हम वेरिएबल्स का नाम, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए खाली लिख दे रहा हूँ। देखते हैं 1, 2, 3 करने के बजाय हम कोशिश करते हैं, ये गलत नहीं है लिखना, लेकिन हम कोशिश करते हैं थोड़ा मीनिंगफुल लिखें। अभी सीख रहे हैं तो खाली नंबर 1, नंबर 2 ऐसे यूज़ कर लेते हैं। मैंने कर लिया कि नंबर 1 की वैल्यू है 10, तो मैंने पहले एको करा लिया नंबर 1 इज़। अब यहाँ पे देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे एक स्ट्रिंग है, अब मेरे को इसमें ना इसको कंकेटिनेट करना है, मतलब जोड़ना है इस स्ट्रिंग के साथ ये लिखा हुआ आ जाए, तो डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये होता है कंकेटिनेशन, कंकेटिनेशन का ऑपरेटर। तो मैं यहाँ लिख दूँगा डॉलर नम 1, तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर 1 इज़, फिर नंबर 1 की जो वैल्यू है वो, मतलब 10। सेव करते हैं और एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे यहाँ पे, तो मेरे पास आ गया नंबर 1 इज़ 10। ये परफेक्ट है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर 1 आ गया 10। दूसरा नंबर हम ले सकते हैं कि मैं मान लेता हूँ कि नंबर 1 जो है वो है 10, और इसी के साथ साथ नंबर 1 जो है वो है 12। और यहाँ पे ही हम इस वाली लाइन को रिपीट करेंगे और नंबर 1 की जगह कर देते हैं नंबर 2, और यहाँ भी कर देते हैं नंबर 2। तो नंबर टू इज़ वहाँ पे आ जाना चाहिए 12, तो नंबर 2 इज़
नंबर टू इज, जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर टू इज 12, ठीक है। तो और देखो एक चीज़ और है कि अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों के बीच में एक लाइन ब्रेक भी रख सकता हूँ, जैसे कि HTML का टैग भी यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। अब दोनों चिपका चिपका आया हुआ है तो मैं चाहता हूँ अगली लाइन में आए, तो अगली लाइन में लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक br टैग का यूज़ कर सकता हूँ। और जैसे ही रिफ्रेश करूँगा अगली लाइन में आ गया, ये HTML का br टैग यूज़ हो गया। तो नंबर वन इज़ 10 नंबर और नंबर टू इज़ 12। ये अब हमने क्या देखा, कंकैटिनेशन ऑपरेटर को देख लिया। अब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी इसी तरीके से यूज हो सकते हैं, जैसे कि एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक वेरिएबल और ले सकता हूँ num3 और इसमें वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ num1 प्लस में num2 की, मतलब num1 को ले लो और ऐड कर दो num2 के साथ, num2 के साथ हमने ऐड कर दिया। और num3 की जो वैल्यू आएगी उसको हम एको करा के देख सकते हैं, कॉपी करेंगे और यहाँ पे num3 इज और यहाँ पे लिख देंगे num3, सेव करेंगे और इसे एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं num3 इज, इन दोनों को ऐड करके 10 प्लस 12 22। सेम काम करेंगे कि यहाँ पे br रख देते हैं ताकि थोड़े सा आसानी से हम रीड कर सकें। और जैसे ही ये करेंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, num1 इज 10, num2 इज 12 एंड num3 इज, इन दोनों को ऐड करके 22। तो जिस तरीके से हमारा एडिशन काम कर रहा है उसी तरीके से हमारा सब्ट्रैक्शन भी काम कर सकता है। तो num1 अगर माइनस में num2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -2, ये 10 माइनस 12 माइनस 2 बचेगा। तो ये सब्ट्रैक्शन पे भी काम कर रहा है, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न पे भी सेम ही काम होता है। सो इतना तो कंसेप्ट क्लियर है। तो हमारे पास क्या हो गया, अभी हमने देख लिया कि हमारे पास आ गया, हमने ऑपरेटर्स मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करके देखा है अभी। अब इसके बेस पे हमने देखा कि वेरिएबल जो है, वेरिएबल्स को कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इसके बेस पे हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख सकते हैं कि हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी हमारे पास अगर नंबर है वो हमारे पास नंबर ऑड है या इवन है। कि एक नंबर हमारे पास इवन है और वो नंबर ऑड है या इवन है, ये हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं oddeven.php के नाम से, odd या यूँ कहूँ और अच्छा चेक oddeven.php। सो ये फाइल बन गई है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से वही काम करेंगे, अपना php का कोड स्टार्ट करेंगे, php लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक हमारे पास मान लेते हैं कि नंबर जो है वो हमारे पास यूज़र ने दिया है 12, तो हमें चेक करना है कि ये ऑड है या इवन है। तो इस चीज़ को करने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं हम, कि हमारे पास एक इफ एल्स की कंडीशन होती है, उस चीज़ का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं और फिर उसके बाद प्रोसीड करेंगे। तो इफ एल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, इसी फाइल में मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले हम इफ़ लिखते हैं, और ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, सबसे पहले हम इफ़ लिखते हैं, फिर उसके बाद इफ़ में ये जो यहाँ पे गोल वाली ब्रैकेट्स हैं, इन वाली ब्रैकेट में हम लिखते हैं कंडीशन लिख देंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, यहाँ लिखेंगे कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन पास होती है तो ये वाला कोड चलेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, else लगाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है
तो ये वाला कोड चलेगा, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। एक्चुअली यही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो हमारे पास ये वाला कोड चलेगा। तो सिंपल सा है, इफ एल्स कंडीशन बहुत सिंपल सी है, कहती है कि अगर कंडीशन ये वाली ट्रू है, ये वाली इफ के अंदर वाली कंडीशन ये वाली ट्रू है तो ये वाला कोड चलाओ, और अगर कंडीशन ये वाली ट्रू नहीं है तो ये वाला कोड नहीं चलेगा, फिर अगर फॉल्स हो जाती कंडीशन तो ये वाला कोड चलेगा। सिंपल सी बात है, इसके अंदर भी नेस्टेड इफ होता है, वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले इफ एल्स ही समझ लेते हैं, अगर कंडीशन ये ट्रू है तो ये और नहीं है तो ये, ठीक है। तो ये इफ एल्स है, इसे को मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। अब हम क्या करेंगे, नीचे आते हैं। नंबर हमारे पास है, यूज़र ने नंबर हमारे पास क्या दिया है, 12 दिया है। तो एक काम करता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ। तो यूज़र ने हमारे पास नंबर दिया 12। अब मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाऊँगा, इफ़ जो हमारे पास कोई नंबर इवन है ये कैसे पता लगता है, और ऑड है ये कैसे पता लगता है। अगर हम नंबर को 2 से डिवाइड करें और हमारे पास रिमाइंडर आ जाए 0, तो वो नंबर इवन नंबर होता है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, अगर नंबर को हम डिवाइड करेंगे इससे 2 से, या और अच्छे कहूँ हमारे पास एक मॉड्यूलो का सिंबल होता है जो कि ना रिमाइंडर देता है, तो नंबर मॉड्यूलो 2, अगर ये आ जाता है हमारे पास क्या 0, तो ये होता है इवन नंबर। और अगर नहीं आता है, अगर नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है, तो हमारे पास क्या होता है, एल्स क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे, इफ डॉलर नंबर, यहाँ पे लगाएंगे मॉड्यूलो, ये रिमाइंडर देता है 2 इक्वल टू 0। अगर नंबर को डिवाइड करो 2 से और उसका जो मॉड्यूलो है मतलब रिमाइंडर है वो 0 के बराबर आ जाए, तो आपको पता है तो वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास एको करा देंगे, नंबर लिखेंगे यहाँ पे जैसे ऊपर बताया था मैंने, यहाँ पे आएगा नंबर, फिर कंकैटिनेशन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्पेस इज, अगर 0 आ जाएगा रिमाइंडर तो इवन, और यहाँ लिखेंगे एल्स नंबर इज ऑड, लिखेंगे ऑड, ठीक है। रन करके देखते हैं, सेव नहीं किया, सॉरी, चेक ऑड इवन डॉट पी एच पी हमें चलाना है। तो चेक ऑड इवन, आप इस फाइल पर क्लिक करेंगे, फंक्शन दबाएंगे, F2 दबाएंगे, फाइल का नाम आ जाएगा, कॉपी करेंगे इसे, कॉपी कंट्रोल सी, और फिर यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे चेक ऑड इवन डॉट पी एच पी, एंटर करेंगे। आप देखिए 12 इज इवन, जो 12 नंबर हमने दिया है वो क्या है, इवन नंबर है। ऑड नंबर को ही पास करेंगे जैसे 25, तो हमारे पास यहाँ जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑड नंबर आ जाएगा, ये 25 इज ऑड। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है जो कि हमें ऑड इवन नंबर बताता है। सो अभी के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज़ को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।